हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा कर रही हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ ठंडी के लिए, और जो कि उत्तराखंड की बहुत फेमस रेसिपी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम है सिंघाड़े की कचरी। आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बताया सिंघाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंघाड़े को हमें क्या करना है कि बॉयल करके, मैंने उसको मैश करके कर लिया है, ये मैश कर लिया है सिंघाड़ा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, उसमें हम अमूल का घी यूज करेंगे। आपको पता है अमूल की चीज यूज करने पे ना टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट, अमूल का मक्खन, ठीक है। एंड हम उसमें अब हम क्या क्या यूज करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चॉप किया हुआ आपका ये गार्लिक है। नेक्स्ट, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक ग्रेट किया हुआ, और एक टमाटर। ये मैं दो लोग के लिए बना रही हूँ। आप, मैंने एक किलो सिंघाड़ा लिया था और छीलने के बाद वो आधा किलो था। तो ये जो रेसिपी है ये दो लोग की क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी अपनी। तो हमारा जो कढ़ाई है थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसे व्रत के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें आप लहसुन और प्याज को मत डालिए, बाकी आप इसे फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम घी डालते हैं। अमूल का मक्खन जरूर डालना है आपको, क्योंकि मक्खन से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। अब ये मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा हमने बटर डाल दिया। हमारा जो मक्खन है मेल्ट हो रहा है। अब इसी समय हम थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे। और ये रेसिपी आपके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। सिंघाड़े को तो हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। सिंघाड़े का आटा यूज करते हैं, सिंघाड़े को कच्चा भी खा सकते हैं। और लेकिन आप एक बार अगर ये कचरी बनाएंगे तो हर बार आप यही बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हम करेंगे गार्लिक डालेंगे यहाँ पे, और इसको पूरा ब्राउन होने देंगे अच्छे से, क्योंकि तभी इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी आएगी। अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। ये देखो, हमारे जो गार्लिक है वो ब्राउन हो गए, और इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत बढ़िया सी आ रही है। अब इसी जगह पे हम प्याज डाल देंगे, चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालना है। मैं जो आपको सिंघाड़ा है ना वो आपको छील के उबालना है, छील के एक दो सीटी लगानी है सिंघाड़े में, और फिर उसे चाहे तो हाथ से मैश कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सी पे से भी मैश करनी है। तो जब आप मैश करेंगे तभी टेस्ट अच्छा आएगा, अच्छे से मैश करना है। अभी हम जो है प्याज को अच्छे से ब्राउन तक भून लेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरी रेसिपी जो है वो सिंगाड़े की खिचड़ी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया हुआ है। तो ये लिया है, तो इसको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है आपको। ये देखिए, जैसे हम ऐसे भून रहे हैं तो ये हमको भूनना है ऐसे। अब इसी टाइम हम चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे इसमें। आज मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें नेटवर्क में। तो ये जो है आपको अच्छे से जो है अच्छे से भूनना है। तो जितना आप अच्छे से भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो आपने लहसुन डाला है, प्याज डाला है और टमाटर और हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से, और अमूल घी और मक्खन डाला है इसमें। और इसको हम अच्छे से, इसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उतने ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसमें। नाउ अब ये जो है हमारा जो टमाटर है वो आपका जो है वो गल जाना चाहिए। अब हम डालेंगे अपना मैश किया हुआ सिंघाड़ा, और इस सिंघाड़े को एक से दो सीटी में ये अच्छे से गल जाता है, और फिर इसे अच्छे से मैश कर देते हैं। तो अब जो मैश करेंगे, अगर हाथ से मैश करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, मिक्सी में पीस के ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए आप कोशिश करें कि हाथ से मैश करें। अब इसे हम ऐसे बाजार में उबले हुए भी सिंगाड़े आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आप अपने घर में उबालें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर पता नहीं कैसे उबाले जाते हैं। बाकी अगर आपको जल्दी है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप वाले सिंगाड़े भी ला के यूज कर सकते हैं। मैंने अभी नमक नहीं डाला है, नमक में बाद में डाल दूंगी, थोड़ा सा भून जाए फिर डाल दूंगी। अच्छे से अब इसको अच्छे से भूनना, आप जितना अच्छे से भूनोगे उतना ही टेस्ट आएगा इसमें अच्छे से। मैं सिंगाड़े की कचरी बना रही हूँ, किसी ने मुझसे पूछा है, हाँ तो मैं सिंगाड़े की कचरी बना रही हूँ, और ये उत्तराखंड की बहुत ही फेमस डिश है, बहुत ठंड में बहुत बनती है ये, क्योंकि एक तो ये फायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है, और आपका इसमें लहसुन पड़ता है तो वो थोड़ा गर्म भी होता है, तो वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसे अच्छे से भूनेंगे, आप जितना अच्छे से भूनेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा, अगर आप भूनेंगे अच्छे से नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि अच्छे से थोड़ा सा टाइम दे के इसे भूनें। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे, से खुशबू आने लगी सिंगाड़े भुने हुए सिंगाड़े की। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, बहुत ही टेस्टी। अगर आपका सारे चीजें रेडी हो तो ये बहुत बन के बहुत जल्दी तैयार होता है। वो स्टेज आ गई है कि इसमें आप अपनी श्रद्धा अनुसार धनिया डाल सकते हैं, धनिया के बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा, तो आपको जितनी अच्छी लगती है आप उस हिसाब से धनिया डाल। अब
मैंने आधा कटा हुआ नींबू का रस डाला है, आधा। आप अपने हिसाब से खट्टा दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद होता है तो वो अपने हिसाब से डालता है। तो ये मैंने आधा नींबू कटा हुआ डाला है, अब इसका रस डाल देंगे। बहुत ही प्यारी लग रही है ये कचरी हमारी, इनके खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी ट्राई करिए, कचरी बनाइए अपने घर में। तो ये देखिए हमारी बनके तैयार हो गई कचरी, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारी सिंघाड़े की कचरी तैयार है, और आप सब लोग अपने घर में बनाइए, खाइए। और ये रेसिपी आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो और धन्यवाद देना चाहूँगी बहुत बहुत अमूल की टीम का, जिन्होंने ये मंच दिया मुझे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।